अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मुकदम है। आज जिस मौजू पर हम बोलने वाले हैं बेहद संजीदा है। वैसे है सबसे ज्यादा ट्विटर एंड एक्स पर ट्रेंड कर रहा है #अरेसमीरएक्समुस्लिम। खैर, इससे पहले भी आपने एक्स मुस्लिम के नाम से एक तहरीक देखी होगी, एक हलचल भी देखी होगी, कहीं सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज वो देखे होंगे। पर बहुत कुछ उछल कूद करने के बावजूद भी इनकी तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं दिया। शायद इन्हें लग रहा था कि इस्लाम, मुसलमान, कुरान, हदीस पर कुछ भी बोलेंगे तो शायद इन्हें घटिया मकबूलियत हासिल हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया ने भी बुला बुलाकर टीवी डिबेट शोज में कुरान हदीस के खिलाफ बोलने पर उकसाया और ये एक साजिश का हिस्सा था, ये अलग बोलने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ इनकी दाल नहीं गली तो और आगे बढ़ते हुए इसी मरदूद समीर, जो पहले सिद्धार्थ चतुर्वेदी था, पहले अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता था, जिसका पहले का नाम सदाकत कुरैशी था, जिसने हिंदू धर्म इख्तियार कर सिद्धार्थ चतुर्वेदी बन गया, यानी कि वो मुर्तद बन गया, जिसने अपना यूट्यूब पेज एक्स मुस्लिम समीर के नाम से शुरू किया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर कुरान हदीस को लेकर गलत प्रोपोगंडा शुरू किया, जिसे गोदी मीडिया ने भी भरपूर प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन समाज में जितना असर होना था नहीं हुआ। लिहाजा किसी तरह से सुबह शाम इस्लाम को गाली देना गलत नैरेटिव चलाने में कामयाब नहीं हुआ, तो अब और घटिया हरकतों पर उतर आया। इसने अपने पेज से कुरान की बेहरमती और कुरान के पन्नों को फाड़ने के वीडियो अपने पेज पर अपलोड की, जिसके बाद न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदुओं ने भी इसकी पुरजोर मजम्मत फरमाई और #अरेसमीरएक्समुस्लिम चलाया, जो आज सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला हुआ। इतला के मुताबिक समीर पैतृक गांव पालीवाल गुज्जर है, जो हरिद्वार का रहने वाला है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद, मतलब जो कुरान को लेकर जिस तरह की बेअदबी की है, उसके बाद काफी गुस्सा लोगों में देखा गया। हासिल इतला के मुताबिक हरिद्वार थाने में 10 से ज्यादा FIR इस मर्दूद सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज किए गए। हिंदू धर्म अपनाने के बाद घर वालों ने इसकी सख्त मजम्मत की और इसे बाहर निकाला। कुरान की बेअदबी के वीडियो के बाद घर वालों ने और गांव वालों ने, जिसमें कई सारे हिंदू भी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करते हुए एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा पेश किया। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की मांग करते हुए समीर की तलाश जारी है ऐसा बताया। वीडियो कहां बनाए इसकी भी जांच चल रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही। पर सवाल यह भी उठता है कि इस मर्दूद सिद्धार्थ को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि समीर को हिरासत में आसानी से लिया जा सकता है। कई गोदी मीडिया चैनलों पर जाकर डिबेट का हिस्सा ये एक्स मुस्लिम समीर बन चुका था, तो उन मीडिया चैनल वालों से ही समीर का नंबर लेकर उसे आसानी के साथ ट्रेस किया जा सकता है। मुसलमानों के साथ दिगर धर्म वालों ने भी इस मर्दूद समीर पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर गीता पर भी इस तरह की अगर कोई तश्वीशनाक वीडियो बनाता तो उस पर भी कार्रवाई की मांग की जाती। खैर, इसी तरह अब कई वारदातें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि समाज में कुछ हद तक ही क्यों ना हो हिंदू मुस्लिम नफरत घटती नजर आ रही है। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि महंगाई किस धर्म को लेकर नहीं तो ये इस मुल्क के हर तबके के शहरी को निगल रही है। गैस मुसलमानों को 1200 तो हिंदुओं को तो 200 में नहीं दी जा रही। लिहाजा सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ हिंदुओं ने भी खुलकर मजम्मत की है। मुसलमानों को भी चाहिए कि किसी एहतजाज या किसी बात पर मजम्मत दर्ज करनी है तो कानून का रास्ता इख्तियार करना होगा। एक नफरती फिल्म हमारे बारा के नाम की, जो मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल देते हुए इस्लाम, कुरान, हदीस को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, अब इसके खिलाफ सिर्फ बायकॉट हमारे बारा फिल्म कहकर सिर्फ पोस्ट को वायरल करने से इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करे और FIR दर्ज करे। उमूमन हमारे समाज में फेसबुक मुजाहिदीन ज्यादा हुए हैं, इन्हें लगता है कि सिर्फ बायकॉट का मैसेज फॉरवर्ड करने से हम इसी जद्दोजहद का हिस्सा बने हुए। ऐसा नहीं है, बल्कि इनके प्रोपोगंडे का आप हिस्सा बनते जा रहे हैं और उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कानून के दायरे में एहतजाज और FIR दर्ज करनी होगी। एहतजाज के लिए बुलाया जाता है महज कुछ गिने चुने लोग नजर आते हैं। एहतजाज एक मजबूत जमहूरियत की पहचान है। यह अलग बात है कि मुल्क के किसी बात की मुखालफत भी मजाक बनी हुई है आजकल, खासकर इस मोदी हुकूमत में। खुद वजीर आजम मोदी इनके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते, कहने को बातें जुमलेबाजी भर भर के करते हैं। इनके जैसा फेंकने वाला शायद कोई भी ना हो। अब एक मामला ये भी देखने आया कि अब ध्रुव राठी के वीडियो को फॉरवर्ड करने पर मुंबई में वसई के एक वकील विकास बंसोड़े पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सू मोटो लेते हुए बंसोड़े पर मामले को दर्ज किया हुआ है। ये मामला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किस तरह एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है।
जब इसी मुंबई में मुसलमानों के नस्ल कुशी की बात यही धर्म संसद के जरिए से और एक एहतजाज के जरिए से हिंदुत्व तंजीमों ने की थी, तब तो खामोश रहे। खैर, जबकि मोदी देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स हैं जो चाहे मनमानी बयानात देते जा रहे हैं, पर यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन तो गोया आंख मूंद कर बैठा हुआ। लिहाजा लोकतंत्र तभी मजबूत बन सकता है जब सत्ताधारियों से सत्ता से सवाल किया जा सके। अब 2024 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मोदी हुकूमत की हार का अंदेशा भी सामने नजर आ रहा है, तो किसी तरह फिर से आखिरी दांव हिंदू मुस्लिम का क्यों न खेला जाए को आजमाने की कोशिश हो रही है। मुसलमान जज्बात में आकर हंगामा करे ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन साजिशों को समझने की फिरासत हमें होनी चाहिए। इस तरह एक मुस्लिम का फितना उभर कर आया और फिर चला भी गया था, लेकिन फिर से ऐसे अंदर के दुश्मनों को इस्तेमाल करने की साजिशों को फिर से अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोग होते हैं और खासकर फिरका परस्त खुलकर इस्लाम मुसलमानों की मुखालफत करते हैं, तो कुछ लोग समाज में हमारे साथ रहकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो नजर नहीं आते, क्योंकि मीटिंगों इजलासों में हमारे साथ रहते हैं, हमारे अतराफ में रहते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कौम की मोहब्बत कौम की हिमायत करते दिखाई देते हैं, जिन पर ज्यादा नजर रखनी होगी। दरअसल समाज में ऐसे मुनाफिकाना गिरोह ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान जैसे बहादुरों ने और इस कौम के मुजाहिदीन को मुनाफिकों से ही ज्यादा नुकसान हुआ है। टीपू सुल्तान का वो मशहूर कौल है, जब कौम में गद्दार पनपने लगते हैं तो उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के घरौंदे साबित होते हैं। आगे चलकर जब आजमाइश आती है तो यही एक्स मुस्लिम हमारे खिलाफ दुश्मनों की सफों में खड़े नजर आते हैं और ज्यादा नुकसान करते हैं। यकीनन फिरका परस्त हमेशा इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते, लेकिन वो लोग नजर आते हैं आस्तीन के सांप नजर नहीं आते और आसानी से डस जाते हैं। अभी आजमाइश आई नहीं तो कुछ लोग दुश्मनों की सफों में खड़े नजर आ रहे हैं। मान भी लो कि 4 तारीख को हुकूमत तब्दील भी हो गई तो मुस्लिम समाज के मसाइल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के दौर में ही आजमाइशों के पहाड़ तोड़े गए। ये बात अलग है कि जब दुश्मन इस्लाम अख्तदार पर आते हैं तो फिर ईमान पर ही सवाल निशान खड़ा हो जाता है। हजारों नौजवान उस वक्त भी बेवजह जेलों में इन्हीं की हुकूमत में गए थे। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी सोच को बदले। हमारा मुहाफिज तो सिर्फ अल्लाह है। गैरों के सहारे जिंदगी जीने की आदत को अब बदल डाले। दीनी इल्मी माहिरीन खुलकर आने वाले हालात का तस्करा करते रहे। मस्जिदें यकीनन मुसलमानों की पार्लियामेंट और यहां पर ये बातें होनी चाहिए और संविधान के तहत अपना हक लेने की कोशिश करें। जमातों मसलकों के दायरों से बाहर आए, आज भी ये दायरा मजबूत है ये याद रखें। और कुछ अपने आप को बात सख्त है लेकिन कहनी पड़ती है कि कुछ लोग आज भी मुसलमानों को बांटने में लगे हुए और एक उम्मत के कॉन्सेप्ट को हम अपनाने की कोशिश करें। सिर्फ घर में बैठकर कौमी हमदर्द न बने। जो भी जहर घोलने की कोशिश करता है सबसे पहले पुलिस में फरियाद दर्ज करें। कुछ जगहों पर यह तरीका कारगर भी साबित हुआ है। आपको कुछ हद तक फिलहाल इस वक्त एहसास भी हो रहा होगा कि मुल्की सतह पर नफरती गिरोह थोड़ा बैकफुट पर दिखाई दे रहे। हारते हैं या जीतते हैं दोनों शक्लों में ये नफरती गिरोह खामोश नहीं बैठेंगे। जरूरत है बाशऊर होकर इसका तस्करा करें और कानूनी मंसूबे बनाएं। हासिल इत्तला के मुताबिक जगह जगह पर इस नफरती फिल्म जो हमारे 12 इसके खिलाफ एहतजाज मुल्की सतह पर किए जा रहे हैं। नफरती फिल्म बनी हुई है। कल जुमा के बाद कुछ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बेलगाम में भी एहतजाज करने का फैसला लिया गया, इस तरह की इत्तला हासिल हुई है। गलत चीजों के खिलाफ एहतजाज जरूरी है क्योंकि एहतजाज ही जमहूरियत और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसी तरह ये जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स मुस्लिम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करे, क्योंकि संविधान विरोधी मुल्क विरोधी ताकतों को इसी तरह से रोका जा सकता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।